ये फरीदाबाद का सुनपेड़ गांव है। यहाँ पर कल एक वारदात हुई है। एक घर में हमला किया किसी व्यक्ति ने। पुलिस थाने में कमिश्नर ऑफिस में शिकायत दी गई है और हमारे सामने हैं पीड़ित लोग जिनके घर पर हमला हुआ। महिलाओं से अभद्रता की गई, ये बताएंगी अम्मा। अम्मा, क्या हुआ आपके साथ? ये हुआ जी, मैं यहाँ थाड़ी थी। इसने आए के किया, किसने आए? मैंने गेट खोला है। प्रताप किसने ने? कौन है प्रताप? प्रताप ये परे को रहता है जी। अच्छा, इसी गांव में रहता है? हाँ, इसी गांव में रहता है जी। क्यों आया आपके घर में वो? ये ही आया, गाली गुलज दी, फिर आके हाथ हफाई करिए मुझ पर। मारा पीटा है? हाँ, पहले इस पर करे फिर मुझ पर करे। अच्छा, मेरे रेपटे दिए, एक रेपटा गेट पर मारा मेरे। अच्छा, गालियाँ दी हैं आपको? अच्छा, गालियाँ दी है आपको? मुझे पता नहीं जी। नहीं, ऐसा क्यों किया आपको? ये एप्लीकेशन आपने जो दी है, इसमें लिखा है 900 रुपए का लेन देन था प्रताप के साथ, तो क्या था ये मामला? ये तो हमारे हस्बैंड का। हाँ, आप बताइए। हमारे हस्बैंड का, इनका कोई, पहले तो इनकी बैठा उठी थी। अच्छा, इनके बीच में क्या बात है क्या नहीं बात है ये तो हमें पता नहीं। डायरेक्ट हमारे घर में आए हैं। अच्छा, मैं हॉस्पिटल से आई थी, मैं लेट गई आके क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अपनी मेडिसिन लेने गई थी। अच्छा, तो आए तो गालियां वालियां देने लगा, कान पे फोन लगा रखा था, धमकी देने लगा। तो मैंने ये कहा कि भैया आप अंदर आके बात कर लो। अच्छा, तो मुझे मेरे कपड़े वपड़े खींचे हैं, ऐसे करा है, तो कह रहा तुझे देखूंगा मैं पहले। अच्छा, जो करना है देखा जाएगा, जो होएगी। फिर मम्मी आई है कमरे से, मम्मी ने कहा कि भैया तू बैठ के बात कर। अच्छा, जब मम्मी के थप्पड़ दिया है खींच के, गांव में ऐसी धमकी दे के जाए और रात भी रात में हमको हमला करते हैं, जो की रात में आके उठा लूंगा। हमारे बच्चों को धमकी दी है, हमें दी है, गंदी लैंग्वेज यूज करी है, गालियां भी दे। अच्छा, ये क्या, ये पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? पहले का तो भैया हमें कुछ पता नहीं है, हमें अच्छा। तो अभी पता चला है कि पहले क्या क्या नहीं, इस चीज का हमें कुछ पता नहीं है। अच्छा, ऐसा है ना, ये भैया 10-10, 20-20% पे पैसे देता है। अगर अच्छा, गरीबों पे नहीं कुछ बनता है तो ये फिर ऐसे कब्जा करने की घर में कोशिश करता है या धमकी देता है। अब क्या चाहते हो आप लोग? हमें तो इंसाफ चाहिए भैया, जैसे इसने हमारे संग करा है। धमकियां दी गई आपको? धमकियां दी गई, जान का खतरा है आपको? जान का खतरा हमारे बच्चे को भी और हमको भी। अच्छा, हम तो गरीब आदमी जी, हम तो कुछ नहीं है। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आपको क्या कहा गया? कुछ भी, इन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी। हम महिला उसमें भी गए हैं पुलिस ऑफिस वहाँ में, तो उन्होंने भी कुछ नहीं करा बिल्कुल भी। उन्होंने अभी कार्रवाई नहीं हुई है? उन्होंने सुनी, दो तीन। आप लोग कार्रवाई चाहते हैं? हाँ जी। अच्छा, हमारी तो सुन नहीं रहे, सुनी है तो उसकी सुनी है, जिसका पैसे का दम है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग भी यहीं पर थे वारदात के समय? कौन कौन था यहाँ पर? अच्छा, अच्छा, लेडीज मचाया इसने। अच्छा, अच्छा, अस्पताल से आके हम तो बैठे। आपको गालियाँ दी गई, परेशान किया गया, मारा पीटा गया? करके जाता हूँ। अच्छा, ठीक, रोक लेना, मारपीट की गई है? देखो भैया, वैसे भी कई कई बनाने, एक आपका FIR नहीं, इस पे कई FIR है, कई लोगों ने करी पर उनकी सुनी नहीं गई। अच्छा अच्छा, फिर इस पर फोन करे, इसने फिर कैंसिल करी है, तो इसकी रिकॉर्डिंग कर ली, अपनी रिकॉर्डिंग। अच्छा, उसने काट दी। अगर इसकी छानबीन करी जाए तो इसके काफी सबूत मिल सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखते हैं पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। आप लोगों ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में शिकायत दी है, जिसकी रिसीविंग इनके पास है। अभी आगे देखा जाएगा इस मामले में, जो भी अपडेट होगी। ये अम्मा बहुत डरी हुई है, रो भी रही है। देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है और इनकी जान माल की हिफाजत कैसे की जाती है।